जय दोस्तों, क्या हाल है। 3 से 4 महीना पहले लावा ने अपना लावा अग्नि 2 को लॉन्च किया था, जिसका प्राइस रेंज 20,000 रखा गया था और 20,000 के अंदर ये एक अच्छा स्मार्टफोन था। लावा वापस से आ चुका है अपना नया स्मार्टफोन लेकर, जो है लावा ब्लेज प्रो 5G। ये फोन 15,000 के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। 15,000 के अंदर इसमें आप लोग को 5G 128GB स्टोरेज, 8GB रैम और 120Hz का डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करते हैं और आपको एक इंडियन ब्रांड आपको चाहिए, तो ये स्मार्टफोन आप लोग के लिए बेस्ट होने वाला है। चले जानते हैं कि इसमें आप लोग क्या क्या स्पेक्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। यह फोन 2 कलर में आपको देखने के लिए मिल जाता है, ब्लैक और व्हाइट। बैक में आप लोगों को मैट फिनिश देखने के लिए मिल जाता है, जिस कारण से बैक में ज्यादा फिंगरप्रिंट नहीं लगेगा। बिल्ड के बारे में बात करूं तो बैक और फ्रेम आप लोग को पॉलीकार्बोनेट का देखने के लिए मिल जाता है। थिकनेस 8.96 mm एंड वेट 203 ग्राम आपको देखने के लिए मिल जाता है। पोर्ट एंड बटन के बारे में बात करूं तो आपको नीचे के साथ 3.5 mm का हेडफोन जैक, माइक टाइप सी एंड सिंगल स्पीकर आपको के लिए मिल जाता है। डुअल स्पीकर होता है तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि डुअल स्पीकर होता है तो ऑडियो क्वालिटी इनहेंस हो जाता है। लेफ्ट में आपको सिम ट्री आपको देखने के लिए मिल जाता है, ट्रिपल कार्ड स्लॉट आपको देखने के लिए मिल जाता है और 1 TB तक आप लोग मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हो। राइट में आप लोग को साइड फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉल्यूम अप डाउन बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है। 6.78 inch का फुल HD IPS LCD डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही 120Hz का रिफ्रेश रेट और 240Hz का टच स्लीप रेट आपको देखने के लिए मिल जाता है और 550 nits का आपको पिक ब्राइटनेस देखने के लिए मिलता है। इंडोर और आउटडोर में आपको ज्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। प्राइस में यह फोन आता है उस हिसाब से जिसका डिस्प्ले आपको अच्छा क्वालिटी का देखने के लिए मिल जाता है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, इसमें आप लोगों को MediaTek का 6027nm का 5G चिपसेट आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसका अनटू स्कोर 4 लाख से भी ज्यादा आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज आपको देखने के लिए मिल जाता है। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें, इसमें आप लोग Android 13 / Android इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही इसका अपडेट मुझे काफी ज्यादा खराब लगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को 1 साल का OS अपडेट और 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो पर्सनली काफी ज्यादा खराब है। एटलीस्ट 2 ईयर्स का OS अपडेट और 3 ईयर्स का सिक्योरिटी अपडेट देना चाहिए था। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी का मैं बात करूं तो इसमें आप लोगों को डुअल 5G सिम सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही 8 5G बैंड, ब्लूटूथ 5 और वाईफाई 5 का सपोर्ट आपको देखने के मिल जाता है। साथ ही वाइड लाइन L1 का भी सपोर्ट आपको देखने के मिल जाता है। अगर मैं बात करूं Amazon प्राइम और Netflix में, इसमें आप लोग HD में वीडियो को प्ले कर पाओगे। साथ ही YouTube पे आप लोग 2K में, मैक्स 2K में आप लोग वीडियो को प्लेबैक कर पाओगे। कैमरा के बारे में बात करूं तो इसमें आप लोग को 50MP का EIS कैमरा आप लोग को देखने के लिए मिलता है, जिससे आप लोग 2K 30fps में वीडियो को शूट कर पाओगे। साथ ही VGA कैमरा देखने के लिए मिलता है, जिसका कोई काम नहीं है। सेल्फी कैमरा की बात करूं तो इसमें आप लोग को 8MP का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, जिससे आप लोग 1080p 30fps में वीडियो को शूट कर पाओगे। कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूं तो आप लोग का रियल में नाइट मोड आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है, वहीं सेल्फी में आप लोग को नाइट मोड देखने के लिए नहीं मिलता है। स्लो मोशन, टाइम लैप्स और पोर्ट्रेट जैसे बहुत सारे आप लोगों को मोड और फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में बात करूं तो आप लोगों को 5000mAh का बैटरी और 33W का चार्जिंग सपोर्ट आप लोगों को देखने के लिए मिला था। साथ ही चार्जिंग टाइम के बारे में बात करूं तो 60 से 70 मिनट में आप लोग 100% चार्ज कर पाओगे इस फोन को। प्राइस एंड वेरिएंट के बारे में बात करूं, 8GB 128GB आप लोगों को 12,500 का देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन की तरफ से। स्मार्टफोन का प्राइस 12,500 रुपया है और प्राइस के हिसाब से यह स्मार्टफोन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, और आप एक इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना चाहते हो तो यह स्मार्टफोन आप लोग के लिए बेस्ट होने वाला है। 12,000 के अंदर एक अच्छा बैटरी वाला स्मार्टफोन खोज रहे होंगे तो ये स्मार्टफोन सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को 5000mAh का बैटरी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है और 12,500 के अंदर 5000mAh का बैटरी और 33W का चार्जिंग सबसे ज्यादा बढ़िया मुझे लगा इंडियन ब्रांड के हिसाब से देखा जाए तो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।